जंगलों में आग ना लगाएं, क्योंकि वन रहेंगे तो हम रहेंगे। लखुडियार ये हम पहुंच चुके हैं, लखुडियार ये देख सकते हैं सांस्कृतिक पट, कल्चर बोर्ड लखुडियार। देखिए तो गाइस देख सकते हैं आप, ये लखुडियार का रास्ता है। यहीं पे ये जो पटाल वटाल हैं ये सब तो बाद में लगे हैं, लेकिन ये आप देखो यहाँ पे जो गुफाएं हैं ये आदि मानव ने बनवाई हैं अपने समय में अपने रहने के लिए। और एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू भी आता है यहाँ से, मैं अभी दिखाऊंगा आपको पूरा। ये आप देख सकते हो कैसे ये बड़े बड़े चट्टान हैं, ऐसे बनाया है इनको कि ताकि यहाँ पे ये देख सकते हो गाइज आप, ये देखो कि इतनी बड़ी चट्टान को ये आदिमानव ने यहाँ पे यहाँ से काट के ऐसे बनाया है, पूरा मकान का शेप दिया है इसके अंदर। बारिश वारिश का कोई वो नहीं, तो उस समय ऐसे ही रहते थे फिर, तब सब नंगे घुमा करते थे, आदिमानव होते थे, समझ नहीं थी उन्हें। फिर भी जैसे जैसे उन्हें ज्ञान आया तो ये सीढ़ी बनी है ऊपर आदिमानवों के छत में जाने के लिए, देख सकते हो आप। और ये गेट बना रखा है यहाँ पे, यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा है, सरकारी बोर्ड है ये। तो गाइज ये यहाँ पे से देखो आप सामने पे नीचे पे यहाँ पे नदी बहती है। और एक व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से, ये आप देख सकते हो कि नीचे पे नदी बह रही है। और ये है आदिमानव द्वारा निर्मित गुफाएं, कुछ इस प्रकार की गुफाएं अजंता एलोरा में भी पाई गई हैं, देख सकते हो आप। और ये जो ये पेंट है ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये देख सकते हो आप, ये जो पेंट है, ये जो कलाकृतियां हैं, ये आदिमानव ने ये उस समय के पेंट उस समय के कलर से किया हुआ है, तो देख सकते हो आप। ये देख सकते हो कैसे पेंट किया हुआ है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हो। और ये सब में ऐसी पेंट किया हुआ है, ये देखो गाइस ये पेंट से यहाँ पे कई कलाकृतियाँ चित्र बनवाए हुए हैं आदिमानव ने अपने समय में, वो सब यहाँ पे आज भी कैद हैं, संरक्षित सुरक्षित रखा है इन्हें सरकार ने। और ये देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, ये देख सकते हो आप पूरा ऊपर तक इसे, ये है। और ये देखो गाइस, ये देखो ठीक सर के ऊपर देखो आप, पूरा ये एक ओपन हाउस है यहाँ पर एक, ये काफी बड़ा है ये। और यहाँ पे रेलिंग लगाई है सेफ्टी के लिए, और नीचे काफी गहरा है, नीचे खाई है पूरी, और नीचे नदी है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत तगड़े से रॉक्स हैं यहाँ पे, क्या आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप गाइस कितनी तगड़ी जगह है। और ये बहुत ही जबरदस्त जगह है, यहाँ से एक नज़ारा देखिए आप, ये पूरा। तो मुकेश भाई कैसा कैसा लग रहा है फिर यहाँ आगे, यह आदिमानव द्वारा निर्मित जगह देख के आपको? बहुत ही बढ़िया, काफी सुंदर कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप। हाँ ये तो एक बात है, ये बनाया ना इनने पेंट, ये बताओ इतने अच्छा। कभी कितने समय से पूरा हुआ होगा, एक बार ऊपर चलते हैं ऊपर। आइए फ्रेंड्स ऊपर ले जाता हूँ मैं आपको, अब आ जाइए रखे हैं तो पूरा देख जाते हैं अच्छे से। ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर जाने के लिए भी बना रखा है सीमेंट करके, यहाँ से भी बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा कहते हैं जिसे, वो भी देखने को मिलता है। ये देख सकते हो जो नीचे अभी हमने गुफा देखी थी उसका टॉप है ये, उसके ऊपर आ चुके हैं अब हम। यहाँ से आप देख सकते हो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है,
ये देख सकते हो आप सामने सड़क है जो बाड़े छिनक हो गई है, अभी इसी रोड से जाना है हमें। और देख सकते हो आप यहाँ से, एक मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप कितनी गहरी यहाँ पे खाई है। और अभी इसकी शिखर में हैं हम, ये चारों तरफ का नज़ारा है यहाँ से। और नीचे जो भी है ये नदी से अभी नीवी होगा तो लगभग 300 मीटर तो लगभग हो गई होगा, नीचे देख सकते हो आप। और ये जो गुफा का पत्थर है सबसे ऊपरी सिरा है उसका, ये देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है गाइस। तो कभी मौका मिले तो यहाँ आएँ जरूर लखुडियार में, और एक बहुत ही अद्भुत दृश्य का आनंद लें। बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड वाली फीलिंग आ जानी है यहाँ आके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहें ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए मेरे साथ आपके अपने चैनल वाइल्ड लेंगे मैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।